खबर विस्तार से। सनातन पर हमला बोलने वालों का करारा जवाब मिला है। हमला बोलने वालों को यह जवाब खुद पीएम मोदी ने दिया है। सागर के बीना में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सनातन का विरोध करने वालों पर प्रहार किया। विपक्षी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी विपक्ष पर बरसे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। पीएम मोदी प्रचंड, घमंडिया खंड खंड, सनातन के दुश्मन तार तार गठबंधन, जहां बापू के राम शबरी की पहचान, जो है संतों का मान, वो सनातन है शान, परंपरा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये गमनिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन धर्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी बयानबाजी पर पीएम मोदी का प्रचंड प्रहार है। सनातन को समाप्त कर देने का संकल्प लेने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के साथ पूरे विपक्षी गठबंधन को तार तार कर देने वाला ये वार है। सनातन पर किए गए एक एक हमले का जवाब है ये। प्रधानमंत्री सागर के बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखने गए थे। यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सनातन पर हमला बोलने वालों को करारा जवाब दिया। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देश उन्हें कैसे रोकेगा, ये भी बताया। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने सनातन का अपमान करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। विपक्षी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। जिस बापू का नाम लेकर कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, उसी बापू का हवाला देकर पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया। बोले, गांधी जी जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे, उनके आखिरी शब्द थे हे राम। और ये घमंडिया गठबंधन उस सनातन को समाप्त करना चाह रहा है। गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन के विरोध को लेकर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। बोले, मुंबई की बैठक में लिए गए संकल्प के बाद ऐसा किया गया है। वे सनातन को खत्म कर भारत को दोबारा गुलामी के दौर में ले जाना चाहते हैं। गठबंधन को इंडी अलायंस और घमंडिया गठबंधन कहते हुए पीएम मोदी बोले, इनका नेता और नेतृत्व तो तय नहीं, लेकिन इन्होंने सनातन के विरोध का संकल्प ले लिया है। 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से
उनके मनसूबों को नाकाम करना है। तो सनातन का विरोध करने वालों को पीएम मोदी का जवाब मिल गया है। संदेश साफ है, जो सनातन भारतीय संस्कृति का आधार है उस पर कोई भी हमला नहीं स्वीकार है। पीएम मोदी ने आगाह भी किया है, सनातन के खिलाफ जिन लोगों ने खुलकर हमला करना शुरू किया वे लोग हमले और बढ़ाने वाले हैं। हर सनातनी को देश से प्यार करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। रायगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान टीएस सिंहदेव ने केंद्र की तारीफों के पुल बांध दिए। यह भी कहा कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। टीएस सिंहदेव के इस बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। खरी खरी बोलते हैं, किसी को बुरा लगे या भला। कई बार तो पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी अपनी राय रखते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ऐसी बात कह दी जो कांग्रेस को चुभ सकती है। सीएम भूपेश बघेल को तो जरूर ही चुभेगी। रायगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान टीएस सिंहदेव को बोलने का मौका मिला और वो ऐसा बोले मानो अपनी ही पार्टी पर बम फोड़ दिया हो। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में, केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। सुनिए जरा, सिंहदेव ने मंच से केंद्र सरकार और पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। सीएम भूपेश बघेल हमेशा केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हैं, लेकिन सिंहदेव ने साफ किया है कि ये कोई भेदभाव नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अगर कोई काम किया है तो बतौर हक केंद्र सरकार के हाथ कभी खाली नहीं रहे। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव के आरोपों को बीजेपी हमेशा खारिज करती आई है और अब खुद प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ने ये माना है कि केंद्र की ओर से उन्हें उनका हक मिलता रहा है। अब बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया। तारीफ सबको करना पड़ेगा, टीएस सिंहदेव हो या भूपेश बघेल। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है और उसका जो भंडार है और पिछले 9 सालों में देश का जो कायाकल्प हुआ है उसका सबको तारीफ करना पड़ेगा। और मोदी जी का काम ही वैसी है, आज 6,400 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। बारिश के बाद, तूफान के बाद, आंधी के बाद हजारों लाखों की संख्या में लोग घर छोड़ के आए और इतने तूफान के बाद भी लोग खड़े रहे, ये बताता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज को ये भी है तो नरेंद्र मोदी जी ने आज छत्तीसगढ़ को फिर से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। ये पोला का पावन पर्व निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक, और ऊपर से आज इतने विपरीत मौसम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में विजय शंखनाद रैली में जो भीड़ आई, लोग आए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये विजय का शंखनाद आज से हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय का शंखनाद हुआ है। कांग्रेस के सरकार की जाने और उखाड़ फेंकने का जज्बा आज छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायगढ़ की जनता ने दिखाया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और केंद्र के बीच हमेशा तनातनी के हालात रहे। सीएम भूपेश बघेल को जब भी मौका मिलता है केंद्र को घेरते हैं, भेदभाव का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब उनकी ही सरकार के डिप्टी सीएम ने उन्हें झूठा साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
वहीं रायगढ़ में पीएम मोदी ने बीजेपी की विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। भारी बारिश के बाद भी रैली में जन सैलाब उमड़ा। पीएम मोदी ने मंच से विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है, देखिए इस रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिश के बीच उमड़ा जन सैलाब, मोदी मोदी के नारे। रायगढ़ में बीजेपी की विजय शंखनाद रैली के दौरान ऐसा ही नजारा दिखा। मंच पर खुद पीएम मोदी मौजूद थे, उन्हें सुनने के लिए लोग बारिश की परवाह किए बगैर डटे रहे। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ से छत्तीसगढ़ के चुनावी जंग का ऐलान किया। पीएम मोदी ने मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल सरकार को झूठे वादे करने के लिए कटघरे में खड़ा किया। बोले, कांग्रेस का झूठा प्रचार और प्रदेश में चल रहा अखंड भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कमल की आंधी में सब कुछ उड़ जाएगा। झूठा प्रचार और अखंड भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है। छत्तीसगढ़ को चूकना नहीं है। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने जिस भाव के साथ बनाया है, अब मोदी को उसी भाव के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का अवसर देना ही, ये आप लोगों से मैं प्रार्थना करता। छत्तीसगढ़ सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया लेकिन शराब में ही घोटाला कर दिया। गाय के गोबर में ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस खनिज संपदा को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस सिर्फ घोटालों की राजनीति करती है और हवा हवाई दावों में जुटी रहती है। गरीब कल्याण में पीछे, भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायगढ़। उधर केरल में निपाह वायरस की दहशत है। अब तक इस वायरस से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अलर्ट है। रिपोर्ट देखें। केरल एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। नाम है निपाह वायरस। ऐसा जानलेवा वायरस जिसका अब तक कोई इंजेक्शन, कोई इलाज नहीं। केरल में निपाह वायरस के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सभी स्कूल कॉलेजेस 2 दिन के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक 9 साल का बच्चा ICU में है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची है। ये टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस से निपटने की प्लानिंग करेगी। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने निपाह वायरस की जांच के लिए सुपारी और अमरूद के सैंपल्स लिए। केरल में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वो बांग्लादेशी वेरियंट है जो इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। ये वायरस क्यों इतना खतरनाक है, आइए आपको बताते हैं। क्या है निपाह वायरस? जानलेवा है निपाह वायरस का इंफेक्शन। सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी का खतरा है, इंसेफेलाइटिस का भी रहता है खतरा। निपाह वायरस का अब तक नहीं मिला कोई इंजेक्शन। मलेशिया के कंपंग सुंगाई में निपाह से मिला नाम। 1998 में कंपंग सुंगाई निपाह में आया था पहला मामला। 1998-99 में वायरस की चपेट में आए थे 265 लोग। 2004 में बांग्लादेश में लोग वायरस की चपेट में आए। तो देखा आपने कितना खतरनाक है ये निपाह वायरस। इस वायरस के संक्रमण के लक्षण क्या हैं, आइए ये भी बताते हैं। 3 से 14 दिन तक तेज बुखार और सिरदर्द मरीज को कोमा में पहुंचा सकते हैं ये लक्षण। इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में सांस लेने में आती है समस्या। आधे मरीजों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी होती हैं। अस्पतालों में भर्ती 40% मरीजों को गंभीर नर्वस बीमारी। चमगादड़ों, सुअरों से भी फैलता है ये वायरस। मलेशिया और सिंगापुर में सुअरों के जरिए फैला निपाह। भारत और बांग्लादेश में इंसानों के संपर्क से निपाह का बढ़ा खतरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निपाह को तेजी से उभरता वायरस घोषित किया है। मलेशिया, सिंगापुर, भारत और बांग्लादेश में निपाह वायरस के मामले सामने आते रहे हैं और अब केरल में इस वायरस की दहशत है।
हालांकि केंद्र और राज्य सरकार निपाह से निपटने में जुटी है। रिपोर्ट न्यूज 18। भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप 2023 के फाइनल में जगह बना चुकी है। अब सुपर फोर में आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी भारतीय टीम। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल के लिए तैयारियां करना चाहेगी, तो वहीं बांग्लादेश आखिरी मैच जीतकर सम्मान के साथ विदाई चाहेगी। लेकिन क्या बांग्लादेश टीम के लिए राहें इतनी आसान होंगी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। एशिया कप की कहानी जारी, बांग्लादेश को मात देने की बारी, भारत का फाइनल टिकट पक्का, प्रेम दास में बरसेंगे रन, लगेगा छक्का। रन बरसेंगे या विकेटों की झड़ी लगेगी, चौके छक्कों की बरसात होगी या विकेट हैट्रिक में आएंगे, ये तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब भारत फाइनल की तैयारी के लिए कल मैदान में उतरेगा। एशिया कप अपने अंतिम पड़ाव में है। भारत एशिया कप के सुपर फोर में पाक और श्रीलंका को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर चुका है। अब भारत सुपर फोर में अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ खेलेगा, तो नजर फाइनल की तैयारियों पर होगी, नजर एशिया कप विजेता बनने पर होगी। बात बांग्लादेश की करें तो टीम पहले ही फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश की टीम सुपर फोर में अपने दोनों मुकाबले गवा चुकी है। अब जब वो भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो इरादा सम्मान के साथ विदाई का होगा, लेकिन उससे पहले दोनों के बीच खेले गए मैचों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 39 वनडे मैच हुए, भारत की टीम ने 31 बार मैच जीते, बांग्लादेश की टीम 7 बार बनी विजेता। ये आंकड़े भले ही भारत के फेवर में हो, लेकिन अक्सर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के सामने अंडरडॉग की तरह खेलते हुए नजर आती है। जब भी दोनों टीमों का मुकाबला होता है काफी करीबी होता है, क्योंकि 2007 में भी भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। ये मैच भारतीय क्रिकेट फैंस आज तक नहीं भूल पाए हैं। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। 17 मार्च 2007 को वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच एक मैच खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। ऐसे में इस टीम को कमतर आंकना गलत होगा। हालांकि भारतीय खिलाड़ी एशिया कप में अपने प्रदर्शन से लोहा मनवा चुके हैं। एक नजर एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। रोहित शर्मा 4 मैच खेले, 194 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट रहा 108.89। केएल राहुल 2 मैच खेले हैं, 150 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट है 100 का। विराट कोहली 4 मैच खेले हैं, 3 इनिंग्स में बल्लेबाजी की और रन बनाए हैं 129। ये आंकड़े इतना बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी रनों की आग बरस सकती है। ये तो टॉप 3 बल्लेबाजों की बात हुई, इसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पंड्या का बल्ला भी खूब चल रहा है। बात अब कर लेते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों की। मेहंदी हसन मिर्जा 4 मैच खेले हैं, 145 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 90.62 का। तौहीद हृदय 4 मैच में 104 रन बनाए हैं। शकीबुल हसन 4 मैच खेले हैं, रन बनाए हैं 93। एशिया कप में बांग्लादेश के बल्लेबाज दमदार खेल रहे हैं। नजबुल हुसैन शांतो 2 मैच में ही 194 रन बना चुके थे, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से एशिया कप से वो बाहर हो गए, तो वहीं मुशफिकुर रहीम भी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश की टीम कमजोर नजर आती है। वहीं भारतीय गेंदबाज जबरदस्त कहर बरपा रहे हैं। कुलदीप यादव ने 4 मैच में 9 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं मोहम्मद सिराज 4 मैच में 4 विकेट और रविंद्र जडेजा 4 मैच में 4 विकेट लेकर किफायती साबित हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त खेल दिखाया है, खासकर तस्कीन अहमद ने पूरे एशिया कप में अपनी छाप छोड़ी है और 4 मैच में 9 विकेट लेकर बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। शरीफुल इस्लाम ने 4 मैच में 7 विकेट चटकाए हैं।
भारत भले ही एशिया कप के सुपर फोर में टॉप पर बनी हुई है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच इतना भी आसान नहीं होने वाला है। वहीं आज पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में जो भी टीम जीत दर्ज करेगी वो भारत से फाइनल में टकराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।